खबर इंदौर से है। SGSITS के पूर्व प्रोफेसर व डायरेक्टर डॉक्टर पीके चांदे ने एक ऐसा पंखा तैयार किया है जो फांसी लगाने से रोकेगा। यह पंखा 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ है। 1892 में जर्मन इंजीनियर फिलिप एच डी ए ही ने सीलिंग फैन बनाया था। तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हवा देने वाला यह पंखा किसी इंसान की जान भी ले सकेगा। मैंने अपने रिश्तेदार और पड़ोसी का पंखा साफ करते वक्त गिरते देखा था। एक रिश्तेदार की ऐसे ही गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। आए दिन पंखे से लटक कर लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ऐसा पंखा बनाते हैं जो आसानी से नीचे आ जाए और दोबारा ऊपर चले जाए। मैंने कई महीनों की रिसर्च के बाद पंखे के 2 मॉड्यूल तैयार किए। जब ये सफल हुए तो इसका फाइनल प्रोटोटाइप तैयार किया। इसके सिस्टम की कीमत 400 से 500 रुपए है। प्रोफेसर चांदे ने आगे बताया कि पंखे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फांसी लगाने की कोशिश करेगा तो पंखा नीचे आ जाएगा, व्यक्ति के हटने के बाद वापस ऊपर चला जाएगा। यह पंखा प्रोफेसर ने SGSITS के CIDI यानी इक्यूबेशन सेंटर की मदद से तैयार किया है। यह पंखा 3 मैकेनिकल सिस्टम के जरिए काम करता है। पहला सिस्टम इलेक्ट्रिक कपलर, दूसरा सिस्टम ट्राई मॉड्यूलर लॉक और तीसरा सिस्टम टेलीस्कोपिक पाइप है। इस पंखे में मुख्य सिस्टम मॉड्यूलर लॉक है जिससे पंखा झटके से नीचे नहीं गिरता है। लॉक 3 बार खुलता है और वापस काम होने के बाद ऊपर जाकर बंद हो जाता है। प्रोफेसर ने बताया कि पंखे का नाम सिम डिवाइस रखा है क्योंकि यह बहुत सुरक्षित है और इस्तेमाल में आसान है। इसका सिस्टम बनाने में वैसे तो 3 साल में 7 से 8 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके सिस्टम की कीमत 400 से 500 रुपए है। SGSITS के मीडिया प्रभारी एलेक्स कट्टी ने बताया कि प्रोफेसर ने पंखे का फाइनल प्रोटोटाइप इक्यूबेशन सेंटर में लगी 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से तैयार किया है। प्रोफेसर ने पहले 2 प्रोटोटाइप मेटल बॉडी से बनाए थे। सेंटर में लगी प्रिंटिंग मशीन 4 तरह के मटेरियल पर काम करती है। प्रोफेसर डॉक्टर चांदे SGSITS के डायरेक्टर के साथ ही मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट और NMIS के डायरेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर चांदे IIM इंदौर और जापान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर भी काम कर चुके हैं। रिटायर होने के बाद CS माइंड नाम से स्टार्टअप शुरू कर दिया है। यदि कोई फांसी लगाने के लिए उसमें लटक भी जाए तो फांसी नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये उसके बाद खराब नहीं होता है, आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। और हमने देखा कि हमारे रिलेशन में 1-2 लोग गिर गए ऊपर चढ़ के स्टूल पे, और उसके बाद में फैन साफ करते समय गिर गए तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो उसको मैंने लिया और उस पर इनोवेशन ये किया कि हमने ये सोचा कि वो पंखा यदि नीचे आ जाए तो हम उसको साफ कर लें और फिर ऊपर रिस्टोर हो जाना चाहिए। तो ये पहला फंक्शन है कि पंखा नीचे भी आ जाए, साफ कर लें और ऊपर उसको फिर से रिस्टोर कर दें।